क्या हुआ इलायची के पापा, ऐसे सदमे में क्यों बैठे हो? इसीलिए ना कि तुम्हारी पोल खुल गई। तुमने तो हमेशा से मुझे कहा कि तुम बीए पास हो, पर मुझे तुम्हारे रंग ढंग कभी लगे नहीं बीए पास वाले। मार ले, तू भी ताना मार ले मुझ पे, और क्या रह गया, मार ताना। मैं कोई ताना ना मार रही हूँ, मैं तो बस इतना पूछ रही हूँ कि मुझसे झूठ क्यों बोला। सन, अगर मैं सच सच बता देता तो इस बात का इलायची पे कितना बुरा असर पड़ता, समझ ले। वाह, अभी जैसे असर ना पड़ रहा है इलायची पे, वो भी तो लगातार तुम्हारी तरह फेल होती जा रही है ग्यारहवीं में। इसी बात का तो दुख हो रहा है मुझे कि अपने बाप के गुण बेटी में भी आ गए, फेल होने वाले। अरे ऐसा कुछ नहीं है पापा, कोई अवगुण नहीं है आपके अंदर। अरे हम अकेले थोड़ी ना इस दुनिया में जो फेलियर है, पता है दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो लगातार फेल हुए हैं। अरे अब युगांडा के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ओलांगा को ही ले लो, पता है 5वीं में 3 बार फेल हुआ था वो। तुझे कैसे पता? वो क्या ना पापा, मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था और इसका आंसर मैं नहीं दे पाई, इसलिए मैं फेल हो गई। मेरे तो भाग्य फूट गए। अच्छा पापा, अब मुझे ये बताइए कि आप क्यों फेल होते थे, मतलब आप भी मेरी तरह हर सब्जेक्ट में मतलब बहुत कमजोर थे। मैं क्या बताऊं तुझे, देख मैं तुझे सच सच बता रहा हूँ आज। मेरा ना पढ़ाई में बिल्कुल मन ना लगता था, मैं क्लास में ऐसे बैठा होता था, ध्यान कहीं और रहता था, और मैं ना घंटा गोल करके फिल्में देखने जाया करता था। अब तो बिल्कुल मेरे ऊपर गए हो पापा यार, मेरे जैसा करते थे। अरे ऐसी बात का दुख है कि मेरे सारे गुण तेरे अंदर चले गए। अब देख, जैसे मैं हर सब्जेक्ट में फेल होता था वैसे तू भी हो रही है, जैसे मैं घंटा गोल करके फिल्म देखने जाता था तू भी जा रही है। वैसे सारे गुण तो आ गए, बस एक गुण आना बाकी आपका। कौन सा गुण? मम्मी के साथ भाग के शादी करने वाला। मैं तो भाग ही फूट गया। सर ऐसा कुछ ना होने दूंगा, मैं बता रहा हूँ। मैं सब करने थोड़ी ना वाली हूँ, वो क्या है ना जब बच्चे में बाप के गुण आते हैं तो। सर मैं ऐसा कोई गुण तेरे अंदर ना आने दूंगा, बता रहा हूँ मैं तुझे। बताया इलायची, मेरे बुजुर्गों का सपना था कि मैं जो है पास होकर दिखाऊं, अब ये सपना तुझे पूरा करना है। तुझे पता है हर साल मेरे पिताजी जो है मिठाई का डिब्बा लेके आते थे कि उनका बेटा पास हो जाएगा तो ये मिठाई पूरे मोहल्ले में बांट देंगे वो, लेकिन मैं कभी पास ही ना हो पाया। तो वो सारी मिठाई जो है मेरे दादाजी को खानी पड़ती थी, इस चक्कर में उन्हें डायबिटीज हो गई और वो टैं हो गए। डोंट वरी पापा, पापा मैं करूंगी आपके बुजुर्गों का सपना पूरा, मैं करवाऊंगी आपको पास। इसे भी पास करा दे, ये भी रोज फेल हो रही है। मैं तो भाग के फूट गया। देख फिर फेल हो गई। पता नहीं कब वो दिन आएगा। जीजा जी, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो वो दिन कल ही आ सकता है। हाँ तो बताइए ना इलायची जी, क्या करना होगा? कितनी बात तो बोल चुके हो, शादी कर लो। ये आप क्या फालतू बातें बोल रहे हैं इलायची जी, आपको पहले से पता है ना कि हम शादीशुदा हैं। सर झूठे? क्या झूठे, हम शादीशुदा हैं, हम हैं, हमने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। रहने दो जीजा जी, देखो अगर अभी बात खुलेगी ना तो बात बहुत दूर तक जाएगी। जी जी, मैंने कहा कि एक आदमी दो दो बीवियां भी तो रख सकता है। नहीं देखिए, जो रखते होंगे वो रखते होंगे, हम ऐसे नहीं है। तो पर पता नहीं किस किस्म के हो, मतलब आप जैसे बंदा मैंने लाइफ में नहीं देखा आज तक। इलायची जी, अब हम जैसे हैं वैसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं थे आप, वो तो मैं आपको एक्स्ट्रा भाव देती हूँ ना, इसलिए ऐसे हो गए हो। तो इलायची जी, हमने कब आपको कहा कि आप हमें भाव दीजिए? आप मत दीजिए ना भाव, आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। आप ही हैं जो कभी दुकान पर कभी छत पर हमारे साथ शरारत करती रहती है, हमने तो आपको कभी कुछ नहीं कहा, हमने आपको कभी डिस्टर्ब किया नहीं किया ना इलायची जी। फिर मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मैं आपको परेशान करती हूँ? नहीं इलायची जी, हम ये नहीं कहना चाहते। नहीं, आप यही कहना चाहते हैं कि मैं आपको परेशान करती हूँ। अरे नहीं इलायची जी, हम ये नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा सोच सकती है, क्योंकि वो आपकी सोच है। नहीं
मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, ऐसा आप सोच रहे हैं। मालूम है आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको एक्स्ट्रा भाव देती हूँ। देखिए लाइजी जी, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। भाव क्या होता है हमें तो ये पता भी नहीं है। कोई ढंग से हाय हेलो बोल दे हमारे लिए बस है। ओह रियली? रियली? और एलाइची जी, हम बहुत साधु किस्म के इंसान हैं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बहुत अच्छे विचार रखते हैं आप जीजा जी। धन्यवाद एलाइची जी। लेकिन ये विचार आप पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं जीजा जी। सुनो, मेरे दिमाग में ना 11वीं क्लास को लेकर ना कुछ पक सा रहा है। तू ना पापा को इंग्लिश पढ़ा दियो और मैं मैथ्स संभाल लूंगी। बस कैसा आइडिया? अच्छा ना? आइडिया तो अच्छा है इलू, पर तू ना बात नहीं समझ रही है। अगर हम अंकल जी को पढ़ाएंगे ना तो उन्होंने पता लग जाएगा कि हम पढ़ाई लिखाई में इतने भी पापड़ नहीं है जितना हमारे मार्क्स दिखाते हैं। सुनो यार, यहाँ बात हमारी नहीं है, यहाँ बात पापा की है और मेरे दादा दादी के सपने की है। इलो दादा दादी का सपना पूरा करने वाली सेल्फी। अच्छा इलो, तू चाहती क्यों है कि अंकल जी ये 11वीं पास करे? मतलब अंकल जी तो कितने बिजी है ना, उनके पास टाइम होगा? नहीं नहीं, साफ साफ बोलना कि अंकल जी को पढ़ाने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। इलो यार, मेरे पास ना तेरे टाइम ही टाइम है। मेरा मतलब बस ये है कि तू एक बार अंकल जी को भी पूछ ले कि उनको पढ़ना पढ़ना है भी कि कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। सुनो, तो बोल रही है कि वो मेरे पापा हैं, तो क्या खाक मन होगा पढ़ने का? लेकिन मैंने भी ठान लिया कि मैं वो पहली ऐसी बेटी बनूंगी जो अपने पापा को पढ़ाती है। और ना जनरली तो माँ बाप ही बच्चों को पढ़ाते हैं, कि नहीं? हाँ। मैं ना डांस क्लास ज्वाइन करने के बारे में सोच रही थी, मुझे ना बड़ा मजा आता है डांस करके। तू भी ज्वाइन कर ले मेरे साथ। तो दिमाग खराब है? मैं दुनिया घूमना चाह रही हूँ और तू चाहती कि मैं किसी और के इशारे पे नाचू। प्लीज। हाँ देख, जो मेरी बॉडी के सेल्स है ना उसमें नाच भरा हुआ है, मतलब हर एक सेल नाचता है। दिखाओ। चेक दिस आउट। म्यूजिक नहीं, हर टाइप की डांस कर लेती हूँ मैं। दिखाइए। क्या है ये पापा? इतना छोटा सा सवाल था, वो भी नहीं हुआ आपसे सॉल्व। अरे इलायची बेटा, समझना मेरी बात, समझ थोड़ी थी। देख कितने सालों के बाद जो है मैं पढ़ाई की किताब जो मेरे हाथ लगी है। तो फिर भाई मैं सब कुछ अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। क्या समझ चुकी है बेटा तू? यही, जो अखबार में आपकी फोटो निकली तो उसके नीचे लिखा हुआ था ना, दिल्ली का सबसे घटिया स्टूडेंट। एकदम सही था। देख इलायची बेटा, तू जो है ना गड़े मुर्दे। इलू सेल्फी। तू ना गड़े मुर्दे मत उखाड़ बेटा, बस कर रहा हूँ, कर रहा हूँ ना, दो मिनट रुक जाओ, मैं सोचने दे। सर जी प्रणाम। हाँ हाँ, हेलो इलायची जी। हाँ पापा, दूसरा सवाल लिखो जरा जल्दी से। दो बटा तीन इंटू दो बटा तीन, जल्दी, सिर्फ तीन मिनट आपके पास। अरे तू तो मतलब एकदम ऐसी मतलब टीच लाइन हो रखी है मेरी, थोड़ा थोड़ा समय तो दे मुझे। सर जी ये तो बहुत आसान सवाल है, गली में चलता हुआ पपलू भी इसे सॉल्व कर लेगा। क्यों इलायची जी? पांच मिनट दे रही हूँ। पांच मिनट?
इलायची जी, इतनी देर में तो हम 50 सवाल हल कर लें। अच्छा तो तुझे लेके मैं एक कोचिंग सेंटर खोल दूं क्या? बोल, बात कर रहा है बेकार की। नहीं सर जी, हम ऐसा एक मिनट हो चुका है। अब सर जी, आप एक काम करिए, आप ना उसमें। अरे ओए, एक मिनट रुक जा है? मेरी ये मास्टर नहीं हो रखी है, तू भी मास्टर बनने की कोशिश कर रहा है। मैं दो दो मास्टर को ना झेल पाऊंगा, इसलिए मैं तो सेल्फी। इसलिए तू ना यहाँ से, मैं बता रहा हूँ, तू जा यहाँ से, दुकान खोल बस, जा। ओके सर जी, बाय। ओके लाइसी जी, बाय। पापा फोकस, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, जल्दी। कर रहा हूँ ना टीचर आयन जी। डोंट कॉल मी टीचर आयन जी, कॉल मी मैडम। देख रही तू? करू, देख रही है? क्या जमाना आ गया है, तेरी बेटी अपने बाप से कह रही है कॉल मी मैडम, अब तेरे भाग ना फूट रहे। तो सही तो कह रही है इलायची, वैसे भी मेरी बच्ची है ना पढ़ाई में तुमसे तो ज्यादा ही होशियार है। और मेरी बच्ची है ना फेल हो जाती है तो शान से कहती है कि मैं फेल हो गई हूँ, तुम्हारी तरह जो है झूठी नहीं है। एक बार बता, मैंने तुझसे कौन सा इल्लू सेल्फी? मैंने तुझसे कौन सा इल्लू? मेरी मम्मी का फोन आ रहा है, ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय बाय। मैंने तुझसे कौन सा झूठ बोला बता? क्यों, तुमने कहा नहीं था शादी से पहले कि तुम जो है वो डबल एम ए पास हो और वो भी इंग्लिश से? अगर मैं तुझे सच सच बता देता कि मैं 11वीं फेल हूं तो तू मुझसे शादी ना करती ना? और करूं, मैं तुझे जो है खोना ना चाहता था। नहीं जी पापा। क्या यहीं पे शुरू हो जाओगे क्या? सॉल्व करो यार। सेठ जी नमस्ते। अरे अरे प्रिंसिपल साहब भाई, आइए यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए आप। खूब आए भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप अच्छे टाइम पे आ गए। लीजिए पकौड़े खाइए। नहीं नहीं रहने दीजिए। अरे खाइए ना। अरे भाई रहने दीजिए। अरे कह रहा हूँ खाइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, खाइए। अरे अरे चलिए, जब ऐसे कह रहे हैं तो। सर आप यहाँ? अरे बेटा इलायची, कल से स्कूल आ जाओ। सॉरी सर, मैं नहीं आ पाऊंगी, वो पापा है ना उनको पढ़ाई करा रही हूँ मैं तो। अरे कोई बात नहीं बेटा, पापा को भी स्कूल लेके आ जाओ। अरे नहीं 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 प्रिंसिपल साहब, मुझे रहने दीजिए, मैं जाऊंगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ही कहेंगे, आपको देखकर दूसरे बुजुर्ग भी इंस्पायर होंगे और वो भी स्कूल आना शुरू कर देंगे। अरे प्रिंसिपल साहब, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा टाइम आ जाए कि बच्चे तो घर में रहे और बूढ़े जितने भी हैं वो स्कूल में जाकर पढ़ाई कर रहे हो। नहीं नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, बच्चे भी स्कूल आएंगे, बुजुर्ग भी स्कूल आएंगे, अगले महीने परीक्षा होने वाली है। आप एक काम करो, कल आओ, मैं एडमिशन कर देता हूँ। लाइजी बेटा, कल पापा को स्कूल लेके आ जाओ, चलो। अगर इसके पापा आएंगे तो ये भी आएगी, बस एक बार ये लड़की पास हो जाए तो मैं बार बार जलील होने से बच जाऊं। अच्छा चलता हूं, ठीक अच्छा, है ठीक है। बाय सर। बाय बेटा। सुन, अब कल से स्कूल जाऊंगा तो अब कल से ही पढ़ूंगा। ड्रेस तो सिलवानी पड़ेगी ना स्कूल की? हाँ सिलवा लूंगा, वो है ना अपने पड़ोस में जो सिलता है, उससे कह देंगे। आपके नाप की सिल पाएगी? समझ नहीं आ रहा है। अब वो ये कैसी बातें कर रही है, पहले कह रही स्कूल जाओ, अब कह रही आपके नाप की सिलेगी या ना सिलेगी, कैसी बातें कर रही है तू? क्वेश्चन ना 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 अभी ना करूंगा मैं, क्वेश्चन कर रहा हूँ। भागी फूट गए। अच्छा खिला दो, पहले खिला दो यार। मैं
तो भाग के फूट गए। ऐसे घंगे होंगे। अरे 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 क्या बात है साहब जी, आज घर पर पुलाव बनने वाला है क्या? मंगीलाल तू बिल्कुल सही चला रही है दिमाग, आज पिंकी जी पुलाव बनाने वाले हैं। क्या आप पुलाव बहुत अच्छा बनाते हैं? मंगीलाल मतलब बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, पिंकी जी के पुलाव का नाम जवाब नहीं है। एक बात बताओ तुझे, पिंकी जी चैलेंज कर सकते हैं इस बात पे कि पूरे चांदनी चौक में अगर किसी ने भी पिंकी जी जैसा पुलाव बना दिया तो पिंकी जी अपने मुंह पे मुझे उगा लेंगे। अगर ऐसी बात है साहब जी तो आज मेरी बहन के लड़के का ना मुंडन है, तो आप वहां आकर ना मेरे रिश्तेदारों के लिए पुलाव बना दो। मंगीलाल जी तू क्या फालतू की बातें कर रही है, तूने क्या पिंकी जी को बावर्ची समझ रखा है? समझना क्या, तू है बावर्ची। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप बहुत अच्छा पुलाव बनाते हैं, मतलब बावर्ची आपके सामने फेल है ना। वो बात सही है मंगीलाल, तो इसका मतलब क्या ये हो रखा है कि पिंकी जी पूरे दिल्ली को अपनी पुलाव बना बना के खिलाते रहे हैं? पिंकी जी बावर्ची हैं, हैं पिंकी जी बावर्ची, लेकिन माइंड यू पिंकी जी सिर्फ और सिर्फ अपने बेगम के बावर्ची है, समझा तू बात करिए। ये सब क्या रहता फैला रखा है? जो चीज दिखाई दे रही है ना उसे छुपाने से कोई फायदा नहीं इंस्पेक्टर पिंकी। आइए सर आइए सर प्लीज, सब गड़बड़ हो गया, बैठिए सर। इंस्पेक्टर पिंकी जी सर, हेलो तो ठीक है लेकिन ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे सर? सर ये लाल रंग की फाइल हो रखी है, और क्या? आप कैसे केस हैंडल करते हैं? ये ज्ञान चंद और मुन्ना वाले केस में आपने क्या गड़बड़ की है? क्या गड़बड़ कर दी? कोई गड़बड़ नहीं किया सर। ज्ञान चंद ने मुन्ना पर जानलेवा हमला किया था जिसमें मुन्ना की जान बच गई, तो उस पे हाफ मर्डर का केस बनता है, लेकिन आपने फुल मर्डर का केस लगा दिया। नहीं सर, पिंकी जी बताते आपको, मतलब ऐसा हुआ होगा कि वो साथ लिखने जा रहे थे पिंकी जी वैसे, लेकिन वो साथ का ऐसे ना नीचे यूं ऐसे घूम गया होगा सर, वो साथ की जगह दो हो गया। इंस्पेक्टर पिंकी आपने कानून की किताबें पढ़ी हैं? माफ कीजिए सर, मुझे तो लगता है इन्होंने स्कूल की किताब तक नहीं पढ़ी है। क्या बकवास कर रही है तू मंगीलाल? पढ़िए 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 सर, स्कूल की सारी किताबें पढ़ी हैं पिंकी जी ने। तो मतलब आप पढ़े लिखे हैं? जी सर। तो मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? जी। अगर एक किलो भिंडी 100 रुपए की है तो 100 ग्राम भिंडी का दाम क्या होगा? क्या 100 रुपए की भिंडी? हाँ सर एक मिनट। 10 रुपए साहब जी। फालतू बात कर रहे, तुझे क्या पता है, चुप कर तू। एक मिनट सर मैं बताता हूँ, 5 रुपए की सर। अच्छा कैसे? सर ऐसा है कि पिंकी जी बहुत स्मार्ट है, पिंकी जी को भिंडी का असल रेट पता है सर, तो 100 रुपए में पिंकी जी खरीदेंगे नहीं, पिंकी जी लेके आएंगे उसको 50 रुपए तक, तो हो गए ना 5 रुपए। बोला इंस्पेक्टर पिंकी मुझे तो लगता है कि आपने कानून की किताब नहीं बल्कि आप स्कूल तक नहीं गए। करेक्ट। गए स्कूल, गए रोज गए पिंकी जी, हाफ पेंट पहन के और टाई वाई लगा के, समझ में आया, पाउडर वाउडर मार के जब गए सर, रोज गए, और कई बार तो पिंकी जी को मुर्गा भी बनाया, कितनी बार निकाल दिए गए, लेकिन गए हैं सर, स्कूल गए रोज। अच्छा तो आप स्कूल गए और आपने वहां पर पढ़ाई लिखाई की है? जी सर। तो ठीक है मेरे एक सवाल का जवाब दें। ओके। पानी का सूत्र क्या होता है? जी? पानी का सूत्र क्या होता है? सर ये कैसा सवाल हो रखा सर, पानी में सूत्र क्या होता है? H2O। गुड आंसर मंगी। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर पिंकी लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट ने आपको नौकरी देकर सबसे बड़ी गलती की है। नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है सर, पिंकी जी बहुत काबिल है सर। ऐसा ही है, और अब हम इस गलती का सुधार करेंगे। हैं?
इंस्पेक्टर पिंकी, आपको फिर से एग्जाम देने होंगे। क्या? और मंगीलाल जी सर, तुम इंस्पेक्टर पिंकी का रोज एग्जाम लोगे, और अगर इनके कम नंबर आए तो इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं,